भुजंगासन, दो पेट के बल लेट जाओ साहब, जैसे स्मृति लेट गई, दोनों हाथ ऐसे साइड में रखो बेटा, छोड़ी जमीन पर, जैसे स्मृति बेटी कर रही है ना ऐसे करो, अब सामने से उठो बेटा और ऊपर देखो ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ठीक है, ऊपर देखो ऊपर, यस, ऐसे थोड़ी देर रुको इस स्थिति में सब, और फिर धीरे धीरे नीचे आओ, धीरे धीरे नीचे आ जाओ, इससे कमर दर्द भी अच्छा होगा और सामने जो पेट बढ़ा हुआ है ना फिर वो पेट भी अच्छा हो जाएगा, और लूज होते समय फिर वो लाइनें धारियां नहीं पड़ेंगी। सामने से उठाओ, फिर नीचे आओ धीरे धीरे, ऐसे कितनी बार करना, ऐसे 5 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। अभी तो जैसे पहले तो धीरे धीरे किया, बाद में इसको फास्ट कर सकते हैं, वेट घटाना हो, कमर में दर्द हो तो धीरे धीरे करना, कमर में दर्द नहीं है तो फिर फास्ट करना, ऐसे ऐसे, वजन ज्यादा है तो ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ऐसे कितनी बार करना है, दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे लगा लो, देखो ऐसे लेट जाओ, ये तो आराम वाला है ना, बोले बाबा ऐसे तो शाम तक लिटवा लो, ये लेटने वाला है, आराम करने वाला है। तो अभी भुजंगासन का एक अभ्यास बताया, अब दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर, दोनों हाथ ठुड़ी के नीचे, श्वास अंदर घर के सामने से उठेंगे, एक उठ जाओ सामने से, उठो बेटियों, कर लो बेटियों, स्कूल वाली बेटियों, अभी सीख लो, अभी आदत पड़ जाएगी, अभी करोगी तो फिर बाद में करोगी, नहीं तो फिर आदत नहीं होती है ना, तो फिर होता नहीं है। ऐसे उठ के थोड़ी देर रुकना, फिर नीचे आना, फिर से करो, एक ऊपर उठो, रुको थोड़ी देर इस स्थिति में, इससे कमर एकदम फर्स्ट क्लास, पैर पीछे पास में, और ऐसे रुकते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऐसे 4-5 बार कर लो, ऐसे गए, ऐसे आ गए, फिर ऐसे गए, फिर नीचे आ गए, ऐसे कितनी बार कर सकती हो, 20-25 बार कर सकती हो, करो चलो 10 बार करो मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर देखो पूरा, 8, 9, 10 और 12। तो ये अच्छा है ना, ऐसे थोड़ी देर आराम कर लो, फिर पीछे से पैर मोड़ लो, इसे घुटने भी अच्छे हो जाते हैं, लंबे लंबे श्वास भरो तो फेफड़े भी अच्छे हो जाते, रोज कर लेना, जो ऐसे करेंगी वो कभी मोटी नहीं होंगी, कमर में दर्द नहीं होगा, एकदम फिट रहेंगे।